उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब का गोरख धंधा करने वाले दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 490 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है और इनके ऊपर आरोप है कि यह लोग शातिराना तरीके से शराब की पेटियों को ले जाने के लिए पुराने सामान को ऊपर रखकर यह बताते हैं कि यह लोग किसी अधिकारी का तबादला होने के बाद उसका सामान लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर आसानी से कोई शक भी नहीं करता। जी हाँ, अब अगर किसी अधिकारी का तबादला हो जाए और वह अपना सामान लेकर जाए तो उसके सामान पर भी अब लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अब लोग सामान ले जाने के तरीके को भी अपनी चालाकी से अपराध की नई तकनीक में शामिल कर चुके हैं। अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़े गए यह दोनों आरोपी मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि यह लोग एक DCM गाड़ी में 490 पेटी शराब को लेकर जा रहे थे, जो बिहार राज्य में जाकर सप्लाई करनी थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी करतूत को छिपाने के लिए और शराब ना पकड़े जाए इसके लिए अपनी गाड़ी के नीचे शराब की पेटियां भरकर ऊपर के साइड पुराना घरेलू सामान भर दिया और रास्ते में जो भी मिला उसे बताते चले कि हम लोग किसी अधिकारी का सामान लेकर जा रहे हैं, जिनका तबादला फला जिले में हुआ है। लेकिन मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस तंत्र अलर्ट हो गया और डिडोली कोतवाली पुलिस ने इन दोनों साथियों को 490 अवैध शराब की पेटियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये जो मामला था, क्या है पूरा मामला? ये थाना डिडोली पुलिस द्वारा कल नारंगपुर चौराहे पर अपराधियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, उसी में दिल्ली की तरफ से एक कैंटर गाड़ी आती दिखाई दी, जिसको रुकने का इशारा किया। उसके द्वारा काफ़ी देर से गाड़ी को रोका गया। पुलिस द्वारा जब इस गाड़ी की चेक किया गया तो इसमें ऊपर जो पुराना फर्नीचर घरेलू सामान लदा हुआ था और उसके नीचे जब चेक किया गया तो अरुणाचल प्रदेश की बनी हुई 490 पेटी अवैध शराब ये हमें मिली और इनके द्वारा ये बताया गया कि इसको बिहार ले जा रहे थे और दोनों ही अभियुक्त चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और इनके नाम पता तस्दीक हो गए। इनके आपराधिक इतिहास की हम जानकारी कर रहे हैं और दूसरा, इन्होंने अपने दो साथियों के नाम और बताए हैं, उनके खिलाफ़ भी हम जाँच कर रहे हैं और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही इन्होंने इस पे कैंटर पे फर्जी नंबर डाला हुआ है, जो सही नंबर है उसकी भी हमने जांच कर ली है, तो फर्जी नंबर प्लेट लगा के इस तरह की अवैध शराब यूपी के माध्यम से बिहार ले जाते थे और इनके दोनों के खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्यवाही वो की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।